में आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है प्रयागराज से, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की याचिका पर आज सुनवाई होना है। 7 साल की सजा के खिलाफ दाखिल की जाएगी अपील पर सुनवाई होगा। हाई कोर्ट ने आदेश की कॉपी पेश करने को कहा था। आपको बता दें, जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है 7 साल की सजा नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण व रंगदारी के मामले में। ये सजा सुनाई गई थी। आपको बता दें, ये बड़ी खबर आ रही है इलाहाबाद से, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की याचिका पर सुनवाई होगी आज। आपको बता दें, 7 साल की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने आदेश की कॉपी पेश करने को आदेश दिया है। इसी के साथ जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी धनंजय सिंह को। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है रायबरेली से, जहां हीट वेव को लेकर के उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें, रायबरेली समेत 35 जिलों को अलर्ट किया गया है। इसी के साथ रायबरेली में 42 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है। आपको बता दें, चिलचिलाती धूप से लोग 2-4 हो रहे हैं, चक्कर आ रहा है उन्हें। इसी के साथ अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ते हुए देखा जा रहा है। आपको बता दें, स्कूली छात्रों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। इस बीच सड़कों पर जरूरी कार्य होने पर ही लोग दिखाई दे रहे हैं। इस बीच अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ये रायबरेली से बड़ी खबर है, जहां हीट वेव को लेकर के उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। रायबरेली समेत 35 जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं 45 डिग्री के पारा पहुंच जाने पर ये बड़ा फैसला लिया गया है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है उन्नाव से, जहां सपा प्रत्याशी के नामांकन जुलूस में शामिल होंगे। आपको बता दें, वकीलों वाले रामलीला मैदान पहुंचे हैं डिंपल यादव। इसी के साथ रामलीला मैदान में नुक्कड़ सभा को भी संबोधित करेंगे डिंपल यादव। रामलीला मैदान से निराला पार्क तक निकाली जाएगी जुलूस। सपा प्रत्याशी उन्नू टंडन के समर्थन में बनाएंगी माहौल। डिंपल यादव को देखने और सुनने के लिए जन सैलाब अभी से ही उमड़ते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर बताई जा रही है।